सो वेलकम यू ऑल, दिस साइड अजय पोद्दार एंड मैं आप सबका स्वागत करता हूँ इस वीडियो में। एंड सबसे पहले न्यू ईयर आने वाला है, 31 दिसंबर आने वाला है एंड 2020 शुरू होने वाला है। सबसे पहले मैं आपको विश कर दूँ हैप्पी न्यू ईयर। आपकी हेल्प करने के लिए हमने एक सीरीज शुरू की है जो आज ही से शुरू की है, दैट इज ट्रांसफॉर्म माई लाइफ। ये ट्रांसफॉर्म माई लाइफ का पहला वीडियो है, लोगों की हेल्प करते हैं उनका बर्निंग प्रॉब्लम सॉल्व करने में। एंड इस चैनल के ऊपर हम उनके साथ स्ट्रेटजीज शेयर करते हैं जिसके वजह से वो एक्चुअली रियलिटी बेस्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाए। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो, वरना जो ये ट्रांसफॉर्मर लाइफ का यूनिक कॉन्सेप्ट्स मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ इसको आप मिस कर देंगे। आप बुक्स पढ़ रहे हैं, अगर आप रोज डेली यूट्यूब पर स्क्रॉल कर रहे हैं, बहुत सारे वीडियोस देख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार लाइफ में तो कुछ ही नहीं हो रहा लाइफ में, मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम लिविंग अ मीडियोकर लाइफ, अगर आपको ऐसा लग रहा है और आपके लिए कोई भी बुक काम नहीं कर रही या वीडियो काम नहीं कर रहा या आप वीडियो रोज देख रहे हो यूट्यूब पर लेकिन फिर भी कोई काम नहीं कर रहा, तो ये वीडियो आपके लिए। और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि इस वीडियो के एंड में जो स्ट्रैटेजी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, इस स्ट्रैटेजी को आपको एज इट इज यूज करना है और आप इसका इंस्टेंट रिजल्ट देखोगे जब आप इसको प्रैक्टिस करना शुरू करोगे। तो ये जो स्ट्रैटेजी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, बेसिकली इस स्ट्रैटेजी को मैंने खुद ही इस्तेमाल किया है। मैं आपको एक पावर के बारे में बताने वाला हूँ, दैट इज द पावर ऑफ एनवायरमेंट, द पावर ऑफ सर्कल। वीडियो तो बहुत है यूट्यूब के ऊपर लेकिन मैं वही बताऊंगा जो प्रैक्टिकल है, सिंपल है, जो आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो द पावर ऑफ एनवायरमेंट, क्या है ये पावर ऑफ एनवायरमेंट? अब जैसे कि सुना होगा, एक स्टोरी के साथ शेयर करता हूँ, छोटी सी स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि किस तरीके से ये पावर ऑफ एनवायरमेंट काम करता है। जनरली एक गांव में दो बंदे थे, एक जो बंदा था उसका नाम राम था और दूसरे का नाम श्याम था। अब जो राम होता है ही इज वेरी इंटेलिजेंट इन स्टडीज और जो श्याम होता है वो स्टडीज में इतना अच्छा नहीं होता। अब ये जो राम होता है, जैसे जैसे उनकी 10th कंप्लीट होती है उसके बाद दे गो टू 11th एंड 12th, तो राम और शाम दोनों 11th 12th में निकल जाते हैं। और 11th 12th में जाने के बाद आगे जब उनका 12th स्टैंडर्ड खत्म होता है, राम एंड श्याम दोनों ने, क्योंकि एक तो इंटेलिजेंट है एंड एक तो पढ़ाई में उतना अच्छा नहीं है, तो दोनों भी जब 12th पास आउट हो जाते हैं ऑलमोस्ट उनकी 6-7-8 साल तक बात नहीं होती एंड दे नेवर मीट, तो एक दूसरे की उनकी बात नहीं होती और वो मिलते नहीं है। सडनली 8 साल बाद मिलते हैं तो क्या दिखता है, जो राम है ही इज अ पर्सन बिकम लाइक कि वो लाइफ में ना उसके कोई गोल है, ना उसके कोई पर्पज है, ना लाइफ में उसके कोई एनर्जी है, तो वो सिर्फ जॉब कर रहा है और चलते रह रहा है। देयर नॉट ड्रीम्स, पर्पज कुछ भी नहीं है एंड लाइफ में वो उतना ही कमा रहा है जितना कि जो शाम उससे 100 गुना ज्यादा कमा रहा था। और एक दिन ऐसा ही होता है कि वो जैसे ही वो एक सिटी के अंदर जाते हैं और जाते जाते एक मर्सिडीज के अंदर एक बंदा निकलता है, मर्सिडीज के अंदर वो बंदा बाहर निकलता है, ब्लैक कलर की मर्सिडीज होती है जिसको एलॉय व्हील्स लगे हुए होते हैं और एक बंदा जिसने सूट पहना हुआ होता है, बड़ी अच्छी से ग्रूमिंग की होती है, हेयर स्टाइल उसकी ग्रूम्ड होती है एंड उसने एक बड़े ही शानदार चमकीले जूते पहने होते हैं, उसके हाथ में रोलेक्स की घड़ी होती है एंड वो बंदा उतरता है। अब होता क्या है, जो बंदा है जब गाड़ी लेके निकल रहा होता है उसकी टक्कर हो जाती है एक इंसान के साथ एंड सडनली वो टक्कर होती है एक टू व्हीलर बाइक के साथ। अब गेस व्हाट, कि जो टू व्हीलर वाला बाइक वाला जो इंसान था वो राम था एंड जो मर्सिडीज के अंदर था वो श्याम था। वहां वो बाहर निकलता है, बोलता है यार क्या हो गया, देखे तो यार किसको टक्कर लग गई। बाहर निकलता है तो राम उसको देख के चौंक जाता है, हाउ यू चेंज्ड, मतलब तेरी इनकम, ये मर्सिडीज, ये सारी चीजें क्या हो रही है तेरे साथ। तो शाम उसको कॉफ़ी शॉप, पास में एक कॉफ़ी शॉप होती, तो कॉफ़ी शॉप में लेके जाते हैं, वहाँ पर डिस्कशन होता है 7-8 साल के बाद। वो बताते हैं कि कैसे 12th के बाद उसने कुछ स्ट्रगल किया, उसके बाद ग्रेजुएशन के बाद उसने बहुत सारा स्ट्रगल किया, साथ में कुछ बिजनेसेस किए, ऐसे करते करते एक दिन ऐसा कॉन्सेप्ट उसको मिला और उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया और आज टोटली बदल गया, पर्सनलिटी वाइज, इनकम वाइज 100 गुना ज़्यादा बेहतर हो गया। तो ये क्या कॉन्सेप्ट था, तो शाम ने राम को एक बात बताई कि तू मेरे को सबसे पहले बता कि 12th के बाद तू एक्चुअली करता क्या था। तो राम ने उसको बताया कि मेरे कोई दोस्त थे, मजा मारते थे, मैं उनके साथ घूमता था, तो मेरे दोस्त कोई खास काम नहीं करते थे, दे आर नॉट अर्निंग। लेकिन जब ये पूरी स्टोरी राम ने बताई शाम को,
तो गेस व्हाट हुआ क्या, श्याम ने एग्जैक्टली उसे बताया कि जब 12th हुई, श्याम ने ऐसे दोस्तों के साथ रहना शुरू कर दिया जो एक्चुअली बिजनेस कर रहे हैं, ऐसे दोस्तों के साथ ऐसे माहौल में जाना शुरू किया जहां पर वो बिजनेस कर रहे थे, ऐसे माहौल में जाना चालू किया जहां पर सीख रहे थे कंटिन्यूअसली, रियल लाइफ लर्निंग स्किल सीख रहे थे और अपने स्किल को, हाई इनकम स्किल को तेजी से अपग्रेड कर रहा था। वो एक अच्छे से बेच सकता था, इज अ बेस्ट सेल्स पर्सन, इज अ बेस्ट मार्केटर, इज अ बेस्ट इन्वेस्टर। उसने अपने आप की स्किल्स को बहुत इंप्लीमेंट करके अच्छे से वो खुद को तैयार कर लेता है। जब ये शेयर करता है कि वो आने वाले पहले 1-2 साल 3 साल बहुत स्ट्रगल हुआ, उसके बाद वो अपनी स्किल को जैसे इंप्रूव करने लग गया, शाम पूरी तरीके से बदल गया। जॉब के साथ साथ वो एक कंपनी में काम कर रहा था, ही वॉज इन अ डायरेक्ट सेल्स। और डायरेक्ट सेल्स का सबसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट उसने बताया कि डायरेक्ट सेल्स में सपने बताए जाते हैं, सपने को सच करने के लिए एक्शन प्लान्स डिजाइन किए जाते हैं, एंड ऑल्सो फोकस्ड ऑन लाइफ लॉन्ग लर्निंग के ऊपर फोकस करते हैं। तो उसकी वजह से उसकी लाइफ चेंज हुई। तो गेस व्हाट, इन दोनों में फर्क क्या था? अब जो श्याम था वो तो बहुत इंटेलिजेंट था, उसकी जो महीने की 50,000 की नौकरी थी वहां श्याम महीने के करोड़ों कमा रहा था। तो क्या फर्क था दोनों में? फर्क ये था दोस्तों कि जो श्याम था वो ऐसे इंसानों के बीच में, एक ऐसे सराउंडिंग में, एक ऐसे एनवायरमेंट में, ऐसे एनवायरमेंट में रहने लग गया कि उस एनवायरमेंट की जो थॉट प्रोसेस थी, उसकी सोच थी, वो एनर्जी थी, उसके अंदर ट्रांसफर होनी शुरू हो गई। एंड एज इट इज, जब सोच आती है, जब थॉट आता है, तो ऑटोमेटिक एक्शंस, फीलिंग्स जनरेट होती है, और फीलिंग्स के बाद एक्शंस लेना आदमी शुरू करता है। तो उसके अंदर भी आग लग गई मिलियनेयर बनने की, उसने अपना काम शुरू कर दिया। एंड गेस व्हाट, कि आने वाले 7 साल बाद वो टोटली पूरी तरीके से बदल गया। एंड उसके जो भी दोस्त थे, जो भी कमाते नहीं थे, जो भी फालतू थे, उसने अपने सारे दोस्तों को छोड़ दिया। एंड ही ओनली फोकस्ड ऑन कि जिंदगी में क्या करना है, क्या पाना है, क्या अचीव करना है। 10 पेपर लेके उसने पूरे गोल्स डिजाइन किए, उस हिसाब से एक्शन प्लान डिजाइन किया, बिजनेस करना शुरू किया, उसने जॉब के साथ शुरू किया, फिर जॉब छोड़ दी 3 साल बाद। एंड जो राम था, राम एक्चुअली ऐसे दोस्तों के साथ घूमता था। वैसे आपने सुना होगा, यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल यू स्पेंड योर टाइम विद, यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल यू स्पेंड योर टाइम विद। आप उन्हीं लोगों का एवरेज बनोगे जिनके साथ आप रहोगे। जनरली आप जैसे, मैं स्ट्रैटेजी शेयर करूंगा, उसको आप इंप्लीमेंट करके देखना आपकी लाइफ में। नीचे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो कि आपकी लाइफ में क्या चेंज हो रहा है, या फिर आपकी कोई सजेशन होंगे तो भी बता। एंड इसके बाद, वी आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल। अब मैंने क्या किया, जब मेरे को ये पता चला कि यार लाइफ में कुछ मजा नहीं आ रहा, क्योंकि लाइफ में तो मजा होना चाहिए, थ्रिल होना चाहिए, पर्पज होना चाहिए, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, व्हाट आई मेड, आई एक ब्लैक कलर की डायरी ली, एक ब्लैक कलर की डायरी ली। और डायरी लेने के बाद सबसे पहले मैंने एक सवाल लिखा, दैट वॉज 5 ऐसे रीजन कि मैं रोज सुबह नींद से क्यों उठता हूँ, वाई आई गेट आउट ऑफ बेड एवरी मॉर्निंग, सबसे पहले ये लिखा। उसके बाद मेरा जो पर्पज लिखा, एंड फाइनली सबसे मेन जो मैं आपके साथ स्ट्रेटजी शीट नीचे शेयर कर रहा हूँ, उस पर आपको क्या करना है। एक्चुअली यहाँ पर मैं आपको बता सकता हूँ, एक कॉलम है, सबसे पहला कॉलम है, दैट इज, अभी मैं स्ट्रेटजी आपको बता रहा हूँ करना क्या है, ठीक है। आप इसको इंस्टेंटली कीजिए, आपको फर्क दिखेगा। सबसे पहला ये वाला कॉलम है, तो इस कॉलम में क्या होगा, सबसे पहले अभी आप किन लोगों के साथ रह रहे हो, उन लोगों के सारे नाम आएंगे, जैसे कि व्हाट यू आर स्पेंडिंग, किसके साथ आप टाइम ज्यादा बिता रहे हो। नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 5 लोगों के नाम लिखे। तो इन 5 लोगों के नाम लिख के आगे उनकी इनकम लेवल लिखनी है, जो भी वो कमा रहे हैं। अगर नहीं कमा रहे तो 0 लिखना है, अगर कमा रहे हैं तो कमाने वाली इनकम लिखनी है, और नीचे उसका टोटल मारना है, ठीक है। अब टोटल मारने के बाद आपको एक शॉकिंग फैक्ट बताता हूं, ज्यादातर केसेस में तो यही होता है कि ये जो इनकम्स दिख रही हैं, इसका टोटल मारने के बाद आप उसका एवरेज ही कमा रहे होंगे, उनकी जो प्रॉपर्टीज होंगी उनका एवरेज ही निकलेगा, उनकी एवरेज ही स्टडीज आप कर रहे होंगे, आपके लाइफ में हैबिट्स भी उनकी एवरेज होंगी, हेल्थ भी उनकी एवरेज होगी, राइट। तो ये आपको करंट एनालिसिस हो जाएगा, करंट एनालिसिस में आपको ये पता लग जाएगा कि एक्चुअली हो क्या रहा है, क्योंकि विदाउट रिजल्ट एनालिसिस के, विदाउट मेजरमेंट के ग्रोथ नहीं आती, राइट। सो इफ यू वांट टू ग्रो, इफ यू वांट टू सक्सेड इन लाइफ, तो हमें मेजर करना पड़ेगा कि हम किस लेवल पे हैं। तो वी आर ऑन अ बेस लेवल, और ये जो आपने नाम लिखी है 5, आपको एग्जैक्टली क्या करना है, सेकेंड कॉलम में जैसे आपके सामने आ रहा है, सेकेंड कॉलम में आपको लिखना है कि आप किन इंसानों की तरह बनना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आगे लिख देता हूँ जो मैंने मेरी शीट में लिखा है, दैट इज, 1st टोनी रॉबिन्स, 2nd वॉरेन बफेट, 3rd रे डालियो, 4th
ऐसे इंडस्ट्री में जिससे आप सीख सकते हो, स्किल सीख सकते हो, इनकम सीख सकते हो, उनकी सोच अपने अंदर ला सकते हो। क्या करना है, ये जो इंसान है नेट पर सर्च मारो, जिनके साथ आप बनना चाहते हो उनके 5 नाम लिखो या 9 नेम्स आप लिखो, और नाम लिखने के बाद उनके सामने उनकी इनकम लेवल लिखो। इनकम लेवल लिखने के बाद एग्जैक्टली उसको 5 से डिवाइड कर दो, उतनी ही नेटवर्थ आपकी होगी, उतना ही एवरेज आपका होगा। तो ये जो स्ट्रेटेजी सीट है वो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई है, उसको आप फ्रीली डाउनलोड कर सकते हो और इसको इस्तेमाल करो। इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद यही था कि इस पावरफुल टूल को आपके साथ शेयर करो सिंपल लैंग्वेज में। तो बहुत सिंपल है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। वैसे एक छोटी सी बात से इस वीडियो को हम वाइंड अप करें। एक शराबी को अगर 6 करोड़पति इंसानों के साथ रखोगे, 5 करोड़पति इंसानों के साथ रखोगे, तो 6ठा करोड़पति वही बनेगा, उसका एवरेज निकलेगा। क्योंकि एनर्जी ट्रांसफर होती है, थॉट्स ट्रांसफर होते हैं, विचार ट्रांसफर होते हैं। और जिंदगी में बड़ा पहले सोचना चाहिए, बड़ा सोचने में टैक्स नहीं है। तो सबसे पहला स्टेप इस वीडियो का, ट्रांसफॉर्म माय लाइफ के वीडियो नंबर 1 में आपको आज एक ही करना है, पेन पेपर लेके एग्जैक्टली यही स्ट्रेटेजी आप खुद अप्लाई कीजिए। एंड जिन लोगों के साथ आप रह रहे हैं और उन लोगों के साथ ज्यादा टाइम बिताओ जिनकी तरह आप बनना चाहते हो। उन जगह पावर ऑफ एनवायरनमेंट इफेक्ट्स, अगर निगेटिव एनवायरनमेंट या मिडिल क्लास एवरेज एनवायरनमेंट में अगर आप हो, कोई बात नहीं, ऐसे लोगों के साथ रहो जिनके साथ आप बनना चाहते हो। एंड एक्शन प्लान डिजाइन करो एंड काम करना शुरू करो। बस जो स्ट्रेटेजी मैंने आपको बताई है इसको इंप्लीमेंट करो। वाइंड अप कर लेते हैं इस वीडियो को एक सेंटेंस के अंदर। यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल स्पेंड योर टाइम विद, सो स्पेंड द टाइम विद द पीपल यू वॉन्ट टू बिकम देयर एवरेज। बनना है उनके जैसा, बनना चालू हो जाए तो कैसे होगा, चेंज योर एनवायरनमेंट, उन लोगों के साथ रहना चालू कीजिए। एंड सबसे मेन बात, रहना चालू करो, अगर वो फिजिकल एस्पेक्ट में नहीं है तो उनकी बुक्स पढ़ो, अगर उनके वीडियोज अवेलेबल है तो वीडियो देखो, ऑडियोज है तो ऑडियो देखो, अगर फिजिकल मिल सकते हो तो फिजिकल मिलो, राइट? तो यही चीजें आपको करना है। मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बी द चेंज, लेट्स मेक अ चेंज एंड हैप्पी न्यू ईयर 2020। न्यू ईयर की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जुड़े रहिए हमारे साथ। इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों में, व्हाट्सएप में, फेसबुक ग्रुप में शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए बी द चेंज एंड लेट्स मेक अ चेंज।